अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ मैं कभी भी नहीं जाती। हेलो प्यारे दोस्तों, सो आज है मंडे पर मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो हम लोग जा रहे हैं नायग्रा फॉल। इस सीजन का हमारा ये पहली बार नायग्रा फॉल होने वाला है। माय हस्बैंड्स टेकिंग 100 इयर्स टू गेट रेडी। हस्बैंड एट हस्बैंड पुट इट समवेयर एल्स, इट्स टू मच क्राउडेड हियर। ओके दोस्तों, हम लोग बाहर घर से खा के नहीं आए हैं। कैमरा ऑन की तब भूल गई है मैं। सारा टब्बर खान जो लगे एक्चुअली पता है क्या हुआ कि हमने हमारा पहला मील ही नहीं खाया है और हमने सोचा कि एक बार घर से निकल जाते हैं कि ट्रेवल करना शुरू कर दें क्योंकि थोड़ी दूर आ टाइम क्यों वेस्ट करना खाने में, तो गाड़ी में खा लेंगे। इसलिए बोल गया उनकी कैमरा ऑन। ओके दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन है, आज 32 डिग्रीज है और हम लोग जा रहे हैं नायग्रा फॉल। मम्मी आई हैव वन च्युइंगम, आई हैव टू च्युइंगम। ऑलराइट है, मैंने दो च्युइंगम खाई है, मैंने एक खाई है और हमारी पेट पूजा होगी। हम नाउ वी फीलिंग गुड और हम जा रहे हैं नायग्रा की तरफ। हस्बैंड गाड़ी में गैस भर रहे हैं पेट्रोल। यस एंड वी आर गुड टू गो। एक्साइटेड पैसेंजर बन के। बाय गाइस, मीमी बाय। चले गए वो गाड़ी की राइड पे। मैं उनकी वीडियो तो बनाना चाहती हूँ पर वहाँ पे सनी है ज़्यादा और मैं बैठ ही हूँ यहाँ पे चेयर ढूंढ के अपने लिए और यहीं पे बैठ के उनकी वेट करते हैं। 5 मिनट्स लगेंगे सिर्फ। तो यहाँ से निकलेगी उन लोगों की गाड़ियाँ और पता नहीं कहाँ जाएंगी। आई थिंक दिस वे जाएंगी। तो समय आ चुका है गाड़ियों के जाने का। ये वी कैन फाइंड आउट मीमी एंड डैडी। दिस इज मीमी एंड डैडी गाइस, देयर दे आर। थैंक यू फॉर कमिंग, आई नो दैट यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग टू मेक मी स्माइल। Take for both you and me, the caffeine will make sure
यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है और वैसे ही बोट्स चल रही हैं, मुझे लग रहा था नहीं चल रही है। पर हमने प्लान बना लिया है आज नाइग्रा क्रूज में जाने का। हम हजारों बार नाइग्रा आते पर कभी भी नहीं गए हैं, स्ट्रेंज रहा राइट। अच्छा मौका है कि बहुत कम लोग हैं तो हम but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming and thank you for trying to do anything. So humne yahan boys, you have too much energy. Yeah. यहाँ से हम उठाएंगे हमारे लिए रेनकोट ताकि गिल्ले नहीं हो जाएं। आई एम ग्लैड कि इसमें हुडी भी है, अदरवाइज मेरे बाल आने तक कर्ली हो जाएंगे। और ये पिती लड़का उठाएगा छोटा। इस तरह डैडी ने पहने गुलाबी, मीमी ने गुलाबी एंड मॉमीज पिंक टू। गाइस लुक एट मी, मैं अपने बालों को बचाने के लिए ऐसे करने वाली। फाइनली आज सारे हॉल से जानदा उद्घाटन होने लगा। रियली कभी हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा क्राउड है, कभी सोचते हैं कोल्ड है, कभी सोचते हैं कि छो की करना ऐसी रहने फिर आ जाएंगे। पर आज परफेक्ट है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ अच्छी है कि पेड़ नहीं आया, बहुत कम बंदे हैं बोर्ड। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो दिस इज माई अर्ली बर्थडे ट्रिप। बस मैं सुनना ही जानती थी, बनना चाहिए थोड़ा किसी तरह मना करें। Where's my cake? Where's my decoration? Where's my present? Where's my putti? Where's my hug? Where's my kiss? So समय आ गया अंदर जाने का। I hope कि हमारी इस बार में ही बारी आ जाए। Lord Niagara Cruises, may I have your attention, please? This is an important safety announcement. Sight unseen and suddenly
कैलसीज में और या नाचो खाए, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हमने किए हैं ऑर्डर नाचोस, फिश एंड चिप्स एंड मीमी ने चिकन फिंगर। मीमी गुड जॉब मीमी। एवरीबॉडी इज फाइन। यप। आई वांट टू टेक ऑरेंज। सो हम लोग प्ले करने वाले हैं गोल्फ। आई वांट टू टेक ब्लू वाटर कलर। ऑलराइट, सो आज हम गोल्फ खेलने वाले हैं बहुत समय के बाद। डैडी ने रंग बिरंगी बॉल्स ले लिए। Last night my fake ID got stolen. I dropped my phone, cracked the screen. Roommate just smoked all my weed. My life's a mess, I didn't notice. Whenever bad shit happens, doesn't bother me at all. No, I'ma do it how I want. So don't feel no fear. Living young and reckless, I don't really give a fuck. No, I just turn the music up so I can't hear. Dancing like I'm alive, dancing just to survive. Dancing like I'm alive, moving like I'm alive, moving just to survive. Moving like I'm alive. ओके दोस्तों, तो हम गए थे आज बोट में, जिसका प्रूफ आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने इतने पे वो पहना था और इतने बाहर रह गए तो बेचारे हो गए बहुत ज्यादा ड्राई वेट। पर यहाँ हमने सोचा था कि बहुत मजा आएगा, दिस दैट, मजा तो था, पर जो बड़ा फॉल है बड़ा वाला दिखता ही नहीं है, वो इतना ज्यादा बारिश आती है, इतना ज्यादा पानी है, कितना ज्यादा विंडी, कुछ भी नहीं दिखता है। तो जितने भी बोट में लोग थे सभी हंस रहे थे और सारे इधर चक्कर आंदे पे सब लोग, सारे कोई इधर डिगदा इधर डिगदा। सो या दैट वाज दैट। बहुत ज्यादा उधर तूफान आ गया, स्ट्रॉम आ गया, ऐसे लग रहा है कि हमारी जो हमारी किश्ती है बेड़ी है तूफान ने पमंडर च फंस गई। आज का दिन अच्छा, मजा किया हमने, उसके बाद हमने गोल्फ खेला, खाया, खाने में फूड अच्छा नहीं था, पर या एंड डैडी डैडी इज नंबर 1, मम्मी इज नंबर 2, हिम्मत इज नंबर 0। ओके दैट्स अ लाइ, गोल्फ में आई एम नंबर 1, आई वन 7 गेम्स एंड डैडी वन 6। और अब हम घर जा रहे हैं और आपको मिलते हैं कार जाके। बाय। This is a story about me and you. And the beauty that we did pursue. And how you changed my life so beautifully. And how you showed me things I'd never seen. Give you a little backstory. There is this restaurant on the way to Toronto from Niagara Falls called, what's it called? Lake House Restaurant. हम जब भी नाइग्रा से घर की तरफ आते हैं तो हम हमेशा वो देखते हैं हमें, सो हम बहुत बार सोचते हैं कि वहाँ पे जाएं और कुछ खाएं पिएं, पर इग्नोर करके आ जाते हैं। कल जब हम नाइग्रा से आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी क्राउड थी, लाइक आउटडोर जो बैठने का पैटियो एरिया था वो पूरा भरा हुआ था। हमने सोचा कि लेट्स गो देयर एंड चेक। और जब हम वहाँ पे गए
तो हमने फील किया कि हमें बिल्कुल भूख नहीं लगी है क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी बहुत भरा हुआ था वो नाचोज एंड वो फिश एंड चिप्स खा के. तो हमने डिसाइड किया कि हम खा लेते हैं सिर्फ डिज़र्ट. और डिज़र्ट खाने के लिए जो उनका मेन्यू है उन्होंने ये कोविड की वजह से कि टच नहीं करने पड़े चीज़ें उन्होंने स्कैन करने के लिए कोड लगा के रखा है टेबल्स पे. तो अब स्कैन करें और मेन्यू खुल जाता है. तो हुआ क्या कि क्या हुआ सो डिज़र्ट को ऑर्डर करने के लिए मेन्यू खोला मैंने. और मैंने सोचा कि यार ये रेस्टोरेंट कितना पुराना सा है, देखती हूँ कि कब बना है, लाइक इसकी हिस्ट्री क्या है. तो मैंने उसके अबाउट में चेक किया, हिस्ट्री में चेक किया, तो मुझे पता चला कि ये जो रेस्टोरेंट है हॉन्टेड है. और बहुत सारे लोगों ने दो डिफरेंट गोस्ट को एनकाउंटर किया है, लाइक उनकी प्रेजेंस फील की है बहुत सारे लोगों ने. एक तो लड़की है छोटी सी जिसका नाम था एलिजाबेथ, और एक गाय है जो कि सेलर था क्योंकि वो बिल्कुल बैंक पे है लाइक लेक के. तो और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई फिर से कि ये जो रेस्टोरेंट था ये 1800s में बना था, 1800 में, और अराउंड 200 साल पुराना है. और ये जो गर्ल यहाँ पे दिखती है वो आई थिंक 1867 में यहाँ पे रहती थी. आई डोंट नो, पूरा नहीं मुझे पता, पर यार ये बहुत ही ज़्यादा पुराना प्लेस था. तो वहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना था जो बोट्स यूज़ करते थे, क्रूज़ या बोट्स में हुआ करते थे. तो हम लोग, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ इन चीज़ों में, आपको पता ही होगा, पहले भी मैंने कई बार बताया कि ये पैरानॉर्मल और ये हॉन्टेड चीज़ में बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. सो वहाँ पर वो जगह वो विज़िट नहीं करना चाहती हूँ मैं, वैसे एक्साइटेड रहती हूँ जानने के लिए, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए. तो उस चीज़ के बारे में हमने वहाँ पर काम करने वाली गर्ल को पूछा. उससे पहले क्या हुआ कि जब मैं डिज़र्ट की वीडियो बनाने वाली थी की, तो अजीब सी मेरी वीडियो में लाइंस आ रही थी, अजीब सी. मैंने सोचा कि मेरे कैमरे की कोई सेटिंग ख़राब हो गई है शायद, इसलिए आ रहा है. फिर मैंने जैसे जैसे भी वीडियो बना ली, उसके बाद जब हमने उससे पूछा तो मेरे हस्बैंड की जो वीडियो थी वो भी ब्लर हो गई. चलो वो भी हो सकता है कि कैमरे की कोई प्रॉब्लम हो, पर जो आगे हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगा मुझे. आपके उसके बारे में क्या विचार है मुझे बताना, कि आपका क्या सोचना है, कैसे क्यों हुआ, कैसे होता है. Just watch it and let me comment bar mein zaroor. But they say it's the it's daughter that was living here in the 1800s, I believe. Yeah. So and how they like confront like? It's more lights flickering and shadows. Yeah. Okay. Yeah, nothing, no visuals. Yeah. You wanna have experience? I don't know. friends of mine have that work here, so. Okay. Yeah. But are you looking like you really wanna experience them or no? I don't want it. No, I'm good. Yeah. Like some of the people, they're keen, right? Exactly. They want to pick up on that kind of presence, I guess. Yeah. But I'm good. No, you're good. Have a nice evening. Yeah, thank you so much. Take care. Maybe they'll come one day and tip you a lot. Yeah. तुम लोग कितना रखा था? Oh यार, मेरी वीडियो नहीं बन रही सही. कदम. लाइन आई जंदिया है क्या? और नवी लाइन आ जी आई जंदिया. आह तीन चार. वे को ऊपर से ले आई जंदिया. ब्लर होगी वो. ब्लर होगी. ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਮੀਮੀ ਆ ਜਾ. ਆਹ ਸ਼ੈਡੋਜ ਦੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਹਾਂ ਲੱਪੀ. ਫਿਰ ਹਾਂ ਲੱਪੀ. ਫਿਰ ਹਾਂ ਲੱਪੀ. ਬਾਹਰ ਕੋ. ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਬੋ. ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ. ਫੇਰ ਕੋ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? गाइस, जब मैं इस रूम में वीडियो बनाती हूँ तो ये लाइंस एंड शेडोज़ पता नहीं क्यों आ रही है. जैसे इस रूम से चेंज कर रही हूँ मैं,
और ये जा रही है लाइक दिस साइड इट्स नाइस एंड क्लियर नथिंग बट हियर लाइक वियर्ड लाइंस लुक देयर समथिंग्स देयर सस्पिशियस हियरिंग मी आई वांट टू सी लुक I see here, what Something dark and shadows. And when you can you shoot this side? There's nothing this side. Right? Yeah, yes. It's scaring me! No, we're not scaring you. Look, something is broken. Thank you, dear. Take care. Thank you so much. What is that? और इस साइड पे कोई भी लाइंस कुछ भी नहीं है कौन नहीं है बच्चे भी नहीं है और गाइस दिस इज द हॉन्टेड रेस्टोरेंट अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ मैं कभी भी नहीं जाती या वेखियो ट्री भी सारा कुछ ड्राई है और कुछ तो ही पत्ते आ प्यारे दोस्तों तो यहीं पे हमारा ये व्लॉग खत्म होता है आई होप यू गाइज एंजॉयड और आपके क्या विचार हैं आपको क्या लगता है कि वह उस रूम में वीडियो ऐसे क्यों बन रही थी और प्लीज़ मुझे कमेंट बार में बताना मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें यू गाइज अ ब्यूटीफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स ईजी राइट ईजी बाय ललू